यहाँ पर कुछ रिक्वेस्ट करने आए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो रिक्वेस्ट मैं आप लोगों को कुछ एक लाइंस के माध्यम से कहना चाहूँगा, क्योंकि जो आज हम कोरोना की स्थिति से, जो COVID-19 की स्थिति से जो हम गुजर रहे हैं, इन चीज़ों से देश को उबारने के लिए एक आर्थिक स्थिति, एक मजबूत आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो सारी चीज़ें हम सबके सहयोग से ही हो सकती हैं। तो उनके लिए मैं आपसे कुछ चंद लाइनें जो है वो यहाँ पर कहना चाहूँगा। तो टॉपिक है यहाँ पर, प्लीज़ दान करो ना। कोरोना के संक्रमण से संकट में है देश, कोरोना के संक्रमण से संकट में है देश, देश को बचाने के लिए देशभक्ति की नई हुंकार भरो ना, प्लीज़ दान करो ना। बंद है मंदिर मस्जिद गिरजाघर और गुरुद्वारे, बंद है मंदिर मस्जिद गिरजाघर और गुरुद्वारे, ताकि तुम देश के साथ खड़े हो ना, प्लीज दान करो ना। नवरात्रि के पर्व पर कन्या भोज ना सही, नवरात्रि के पर्व पर कन्या भोज ना सही, पर एक भूखे बेसहारा की थोड़ी मदद करो ना, प्लीज दान करो ना। डॉक्टर भी खड़े हैं, पुलिस भी खड़ी है, डॉक्टर भी खड़े हैं, पुलिस भी खड़ी है, कोरोना से लड़ने के लिए हर एक इंसान खड़ा है, इसी इंसानियत की खातिर मेरे साथ खड़े होना, थोड़ा दान करो ना। हजारों करोड़ों ना सही, हजारों करोड़ों ना सही, एक रुपया ही सही, हजारों करोड़ों ना सही, एक रुपया ही सही, संकट की इस घड़ी में देश के साथ खड़े हो ना, थोड़ा दान करो ना। मैंने भी किया है तुम भी करो, मैंने भी किया है तुम भी करो, और दूसरों को प्रेरित करो ना, थोड़ा दान करो ना, प्लीज दान करो ना। तो ये एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज पीएम रिलीफ फंड जो नरेंद्र मोदी जी ने, यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने दिया है, और इसी के साथ जो अपने अपने राज्यों के जो सीएम रिलीफ फंड्स हैं, आप किसी में भी किसी भी तरह से प्लीज एक छोटा सा ही सही वहाँ पर दान कीजिए, जिससे कि आपके द्वारा दान की गई राशि एक काफी अच्छे कार्य में वहाँ पर लगाई जा सके। और जैसा कि आज सबको जरूरत है एक दूसरे की मदद करने की और एक दूसरे के साथ खड़े होने की, क्योंकि जब तक हम साथ हैं तभी हम साथ मिलके इस कोरोना और COVID-19 को हरा सकते हैं। तो यही मैसेज मैं आप लोगों को यहाँ पर देना चाहता हूँ। बने रहिए टेकी टेक के साथ। जय हिंद, जय भारत।